और किसान भाइयों, 1250 अगर बहनों को मिल रहे तो 1000 अपन को भी तो मिल रहे हैं। अब ये भी मैं सोच रहा हूँ कि थोड़े और बढ़ाए, इधर उधर की सब्सिडी खत्म करके सीधे किसानों के खाते में पैसा डाल दो तो किसान अपना काम आप कर लेगा। बोलो सही बात है कि नहीं। और रसोई गैस का सिलेंडर 450 भी मिलेगा भैया, इनका इंतजाम करेगा। और बिजली के जिनके बड़े बड़े बिल आ गए हो, चिंता मत करना, बड़े बिल मैं भरवाऊंगा। तुम्हारे पास अब 100 रुपया महीना का बिजली का बिल नई सरकार बनने के बाद आएगा। और मेरे बेटा बेटियों, तुम्हारी पढ़ाई के लिए बेहतर व्यवस्थाएं, जैसे सीएम राइज स्कूल, अरे अरबपतियों के बच्चे, अरे अच्छे बड़े बड़े स्कूलों में पढ़े सेठ कमलनाथ के, और हमारे टूटे फूटे में पढ़े नहीं, अच्छे स्कूल बनाएंगे। सीएम राइज स्कूल, एक एक की बिल्डिंग 40-40 करोड़ रुपया की, प्राइवेट स्कूल से बेहतर स्कूल बनाएंगे। और देव सिंह जी और संपतिया जी, अभी क्या बन रहा है सीएम राय, चिराई डोगरी में मैं 10 सीएम राय स्कूल बनाऊंगा, हर 25 गांव के बीच में एक। शिक्षा निःशुल्क होगी। और मेरे भांजो, अब अगला मंत्र मेरा, हर परिवार, प्रत्येक परिवार एक रोजगार। मैं कहूंगा प्रत्येक परिवार, आप बोलो एक रोजगार, प्रत्येक परिवार, हर परिवार में एक रोजगार देंगे, ताकि रोजी रोटी को बाहर नहीं जाना पड़े। मेरे बहनों और भाइयों, आपकी जिंदगी बदलने के लिए मैं आया हूँ। और बच्चों की मेडिकल की, इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी मैं फीस भरवाऊंगा। कोई भी मेरे बेटा बेटी हो, आदिवासी हो, चाहे बाकी गरीब भाई बहनों, कोई जाति कोई के धर्म के हो, मैं चिंता करूंगा ताकि ये बच्चे आगे बढ़े। आज समय बहुत कम है, कई चीजें हैं। देखो कांग्रेस ने मेरी सब योजनाएं बंद कर दी, इनने संबल योजना बंद कर दी थी, इनने बेगा भाइया सहरिया बहनों के खाते में पैसा बंद कर दिए थे, इनने बेटियों की शादी बंद कर दी, कन्याओं के खाते में पैसा नहीं डाले, इनने तीर्थ यात्रा बंद कर दी। मैं बच्चों को लैपटॉप देता था, मेरे बेटा बेटियों के लैपटॉप इनने छीन लिए, इनने तो छीनने का काम किया। ये छीनने वाले लोग हैं, अभी लुहाओं ने वादे करके आएंगे, राहुल बाबा आज मध्य प्रदेश आए हो, तुम तो दोहरे चरित्र वाले हो, तुमने कहा किसानों का कर्जा माफ करेंगे, किसानों को तुमने डिफॉल्टर बना दिया, तुमने कहा उद्योगपतियों को दिल्ली में बैठ के गाली दे दे, और यहाँ उद्योगपति सेठ कमलनाथ को सीएम का फेस तुमने बना दिया। तुम नारी के सम्मान की बात करते हो, लेकिन तुम्हारे नेता रोज माता बहन और बेटी का अपमान करते हैं नीतीश कुमार जैसे, और तुम्हारे मुंह में ताला डला रहता है, तुम कुछ बोलते नहीं हो, तुम भ्रष्टाचार पर बात करते हो, लेकिन भूपेश बघेल जैसे मुख्यमंत्री के गले में बाहें डाल के घूमते हो। तुम तो मिसगाइडेड मिसाइल हो, कभी किसी के लिए तुमने कुछ नहीं किया। और इसलिए मैं आपसे कहने आया हूँ, मेरे बहनों और भाइयों, दिल से बताना, आज हृदय पे हाथ रख के बताना, आपको मुझ पे विश्वास है तो सुनो, इस बार किसी भी हालत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना है। बताओ मैं अच्छा काम कर रहा हूँ कि नहीं, तो मेरी सरकार फिर से आने चाहिए कि नहीं, और मेरी सरकार तब आएगी जब ये संपत्तियां हुई के विधायक बन के जाएगी, तो मेरी सरकार आएगी। और इसलिए आज आपसे निवेदन करने आया हूँ, संपत्तियां हुई के को आशीर्वाद दीजिए, भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दीजिए, कमल के फूल की बटन दबाइए, मोदी जी को आशीर्वाद दीजिए। और एक बात सुनना मेरी बहनों, ये मेरे अकेले का काम है चुनाव प्रचार करना, तुम्हारा काम नहीं है क्या? बताओ, अगर अच्छी सरकार है तो निकल पड़ो गाँव गाँव और कहो कि भैया की सरकार बनाएंगे। बोलो निकलोगे साहब? अब भांजे भांजियो, तुम मुझसे कहते हो मामा आई लव यू, तो मैं भी कहता हूँ आई लव यू टू, तो निकल पड़ो तुम भी मामा की सरकार बनाने। किसान निकले, नौजवान निकले, बहन भाई निकले, इस चुनाव को लड़े जनता, और इतने वोटों से जिताओ कि सारी दुनिया देखती रह जाए मैं तुम्हारी जिंदगी बदलने आया हूँ, मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। बोलो संपत्ति अविकों को जिताएंगे, कमल के फूल की बटन दबाएंगे, मोदी जी को आशीर्वाद देंगे और मामा को भी आशीर्वाद देंगे, तो दे दो ना दोनों हाथ ऊंचे करके, और मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के भारत माता की जय बोल के संपत्तियां हुई के कमल के फूल को जिताने का संकल्प लो।